सोच ये नहीं होना चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले। तुम जरा खामोश रहना, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता हूँ। आइए आइए आइए। उस लम्हों को बुरा मत कहो जो आपको ठुकराता है, बल्कि उस लम्हों को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो आपको हर हालात में जीने का हुनर सिखाते हैं। बाकी बात दोस्तों, आज इसी सुंदर विचार के साथ मैं अपना ट्रेन जर्नी को शुरुआत करता हूँ। आज जो अपना सफ़र होने वाला है तिरहुत एक्सप्रेस 13157 566 किलोमीटर के सफ़र दोस्तों 12 घंटा 20 मिनट में तय करती है, मान सकते हो दोस्तों 13 घंटा में। और अपना सफ़र होने वाला है 350 किलोमीटर आसनसोल टू मुजफ्फरपुर। और यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइमिंग है दोस्तों 1:05। 350 किलोमीटर में दोस्तों 8 हॉल्ट आने वाली है दोस्तों, और टाइमिंग और गाड़ी संख्या दोस्तों 13157। और दोस्तों सप्ताह में एक ही दिन चलती है, वो दिन है दोस्तों बुधवार। चलिए और आने के इंतज़ार हम कर लेते हैं, ट्रेन कितने देर में अपना आती है। आ रही है दोस्तों अपना ट्रेन कोलकाता मुजफ्फरपुर ट्रेन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और देख सकते हो दोस्तों आसनसोल स्टेशन का ठंड के मौसम में नज़ारा, कितनी खाली खाली ये प्लेटफॉर्म हो चुका है। 350 किलोमीटर के सफ़र में दोस्तों टाइमिंग की बात कर लूँ तो दोस्तों 8 घंटा लगने वाला है। वीडियो में बने रहे। हावड़ा का लोकोमोटिव लगा हुआ था दोस्तों, और आ गई अपना ट्रेनमा, देख लो भैया, और यही ट्रेनमा में अपना सफ़र हुई हन। और वीडियो के अंत में जुड़े रहिए भाई, और देखिएगा दोस्तों खुली किस तरह से ताली मार रहे किन्नर की तरह। वाह भाई वाह, गुड गुड गुड, ये जॉब कर लो भैया, बहुत कमाई होगी। और ये अपना दोस्तों जनरल कोच का बात कर लो दोस्तों, आगे 3 दिया हुआ है और पीछे 3 इस ट्रेन में आज दिया हुआ है, और खाली भी चल रही है। तो मैं आप सभी को इंटीरियर भाग आप सभी को इस ट्रेन का दिखा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब अंदर आ चुके हैं, और देखिएगा दोस्तों ठंड का मौसम में भी दोस्तों अंदर अपने को आज बैठने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि देख सकते हो दोस्तों जिधर भी देखा हूँ आप सभी को जाम ही मिलेगा, और एक भी सीट आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह से अपने को आज सफ़र करने वाला हूँ, और पूरी सब्जी अचार मिलता है। और पता नहीं दोस्तों लोगों को वीडियो बनाने में और वीडियो में आने से दिक्कत क्या है, किस बात का डर लगता है पता नहीं, मेरा ख्याल से लग रही है दोस्तों भाई लोग सब चोरी करते। इसी तरह से दोस्तों पूरा में सील पैक हो चुका है ट्रेन। चलिए और अलग बोगी में जाके देखते हैं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक सुहाऊं यारो, रब से दुआ करो कि उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। बाकी बात दोस्तों कोच में भी आज अपने को बैठने के ये नहीं मिलने वाला, देख सकते हो ऊपर नीचे जिधर भी दिखाऊं पब्लिक ही पब्लिक लोग आप सभी को देखने को। दोस्तों 1:12 में अपना ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुल चुकी है दोस्तों, कोलकाता मुजफ्फरपुर ट्रेन एक्सप्रेस। देख सकते हो दोस्तों ठंड के मौसम में आसनसोल स्टेशन में कोहरा सा भरा हुआ रेलवे स्टेशन दिख भी नहीं रहा है आगे पीछे। अब डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों चितरंजन स्टेशन पे। लग क्यों नहीं रहा है, कितना जोर लगाना पड़ा दोस्तों, उसके बाद ही जाके गेट लगा अपने को। देख मेरी कैसे ये हालत हुई है, जिधर मैं दिखाऊं दोस्तों ऐसे ही खड़ा खड़ा हमें जाना पड़ रहा है। ये मेरा रहा दोस्तों जनरल कोच का बेड कंडीशन, और मैं हमारे को लगता है दोस्तों आज पूरा ही के पूरा 350 किलोमीटर के सफर ही में हमको लगता है खड़े खड़े ऐसे ही अपने को चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें सीट मिलती है।
देखते हैं। तुम जरा खामोश रहना, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लूं। तुम जरा खामोश रहना, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लूं। कुछ वक्त ऐसे इजाज़त देना, मैं तुम्हारे काजल से बातें कर लूं। चितरंजन स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपना ट्रेन 1:39 में खुल चुकी थी और मैं बाहर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि दोस्तों बाहर पूरा ही कोहरा ही भरा हुआ था। चितरंजन दोस्तों जो लोकोमोटिव इंजन कारखाने के लिए भी जाना जाता है। बाकी बात दोस्तों तीन प्लेटफॉर्म से यहाँ रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लाइन के बात कर लूँ दोस्तों तो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन आप सभी को देखने को मिल जाती है। बाकी बात दोस्तों वहीं जाम रेलवे स्टेशन को दोस्तों 1950 में इंडियन फ्रीडम फाइटर देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया था दोस्तों। और कोलकाता मुजफ्फरपुर अब ट्रेन रुकेगी दोस्तों डायरेक्ट जो है मधुपुर जंक्शन पर। दोस्तों मैं आप सभी से मधुपुर जंक्शन पे नहीं मिलूँगा, डायरेक्ट मिलूँगा दोस्तों जो है ट्रेन झाझा। चले मिलते हैं एकदम मॉर्निंग में। तुम जरा खामोश रहना, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लूं। तुम जरा खामोश रहना, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लूं। ऐसे इजाज़त देना, मैं तुम्हारी आंखों के काजल से बात कर लूं। बाकी बात दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 4:50 में अपना ट्रेन कोलकाता मुजफ्फरपुर ट्रेन आई है दोस्तों लखीसराय के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। इनके बात कर लूं दोस्तों हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, आसनसोल पटना सागर मेन लाइन और बाकी बात दोस्तों 5 प्लेटफॉर्म से बना हुआ रेलवे स्टेशन था दोस्तों। और ईस्टर्न रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है दोस्तों इसको ओपन किया गया था आज 160 साल पहले 1864 में। बाकी बात दोस्तों अब इसका अगला स्टेशन आएगी दोस्तों जो है ब्रोनियम और ठंडा भी पूरा दोस्तों चमके हैं। ये 1:05 में दोस्तों बरौनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अपना ट्रेन आ चुकी है दोस्तों मुजफ्फरपुर कोलकाता एक्सप्रेस। बाकी बात दोस्तों बरौनी जो आप सभी को पता ही है दोस्तों थर्मल पावर और रिफाइनरी ऑयल के लिए भी जानी जाती है। और बरौनी स्टेशन पे दोस्तों 8 प्लेटफॉर्म से बना हुआ रेलवे स्टेशन है। बाकी बात दोस्तों सीधी इसका इस स्टेशन का कनेक्शन है दोस्तों हाजीपुर समस्तीपुर पटना और क्यूल के साथ सीधा जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है। बाकी बात इसको ऑपरेट करता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन और इसका डिवीजन होता है दोस्तों दानापुर। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पूरा भी खाली हो चुका है ट्रेन और इधर लगी है दोस्तों गोरखपुर हटिया मौर्या एक्सप्रेस। और यहाँ पे इस ट्रेन का दोस्तों 10 मिनट का हॉल्ट है। आइए आइए आइए
नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को भाड़ा बता दे रहा हूँ जो आप सभी को सिलेबस का आप सभी को देना पड़ जाएगा 320 सेकेंड के लिए, थर्ड एसी को देना पड़ जाएगा दोस्तों, आप सेकेंड एसी को देना पड़ जाएगा दोस्तों 1280 रुपया, थर्ड एसी को दोस्तों आप सभी को देना पड़ जाएगा 895 रुपया। ये था दोस्तों ट्रेन का किराया और अपना लास्ट डिस्टेंस भी आने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में, स्किप नहीं करिएगा। सोच ये नहीं होना चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये होना चाहिए जिस रास्ते से मैं चलूँ रास्ता अच्छा हो जाए। बाकी बात दोस्तों, 275 किलोमीटर का सफ़र यहीं पे समाप्त होता दोस्तों। मैं मुजफ्फरपुर नहीं जा पाया कुछ कारण के वजह से। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉगिंग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये ट्रेन चली जाएगी दोस्तों कोलकाता मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की ओर। चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।